गलती का एहसास। गीता का ससुराल चंद्रपुर में था। वह एक गरीब परिवार से थी। गीता के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वो बिन माँ बाप की बच्ची थी, इसीलिए गीता का पति और गीता की सास उससे कभी कुछ भी नहीं कहा करते थे। गीता के घर में बस गीता की ही चला करती थी। गीता जो कुछ भी कहती थी उसकी सास और उसका पति बिना कुछ कहे मान लेते थे, क्योंकि गीता एक बिन माँ बाप की बच्ची थी। गीता ने शादी से पहले बहुत दुख सहा था, पर गीता शादी के बाद एक भी काम घर का नहीं किया करती थी। सारा काम उसके पति और उसकी सास किया करते थे। बस वो बैग उठाकर बाहर घूमने जाया करती थी। उसे कोई कुछ कहता भी नहीं था कि वो इस तरह रोज बाहर न जाए और घर के काम में कुछ हाथ बटाए। लेकिन एक दिन उसकी सास ने उसके पति से कहा कि देखो बेटा, गीता को रोको टोको मत, लेकिन उसको समझाओ कि वो घर के काम में कुछ हाथ बटा दिया करे। यूँ ही रोज रोज बाहर जाना अच्छी बात नहीं। वो बाहर जा सकती है, पर वो कभी कभार जाए तो सही है। अगर वो इसी तरह रोज बाहर जाएगी तो समाज वाले क्या कहेंगे। यह सब सुनकर गीता का पति बहुत ही परेशान रहने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अगर वो गीता से कुछ कहता भी था तो गीता उल्टा लड़ने ही लगती और उससे नाराज हो जाती थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो गीता से अगर कुछ कहता तो गीता नाराज हो जाती और माँ की बात वो टाल भी नहीं सकता था। गीता रोज अपने ससुराल वाले को कुछ न कुछ कहा करती थी। घर में कुछ भी करना हो हर समय बस गीता के ही चला करती थी। वह अपने सासू माँ को बहुत बातें सुनाती थी। यदि उनसे कोई काम ठीक ढंग से नहीं होता था तो भी वह उन्हें बहुत डांटती। गीता का पति और उसकी सास दोनों ही चुपचाप गीता की बात सुना करते, क्योंकि उन्हें लगता था कि गीता को कभी न कभी तो ये एहसास होगा कि उसका जो व्यवहार है उनके प्रति वो सही नहीं है। यदि हम उसे लाड प्यार करते हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमसे अच्छा व्यवहार ना करें। पर वो ये सब बातें उससे नहीं कहा करते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कभी न कभी उसे इस बात का एहसास जरूर होगा कि वो गलत है। एक दिन गीता अपनी सहेली से मिलने के लिए उसके घर जाती है। गीता और उसकी दोस्त रश्मि काफ़ी दिनों बाद मिल रहे होते हैं। रश्मि उसको सारी बात बताती है कि कैसे उसकी सासू उस पर बहुत ही अत्याचार करती है। उसका पति भी अपनी माता का ही साथ देता है। वो कभी भी अपनी माँ को कुछ नहीं कहते हैं। मेरी सासू माँ भी मेरे पति को हमेशा मेरे खिलाफ भड़काती रहती हैं। वो चाहे कितना ही काम क्यों न कर ले, घर की पूरी तरीके से साफ सफाई क्यों न कर ले, उसकी सासू माँ उसके काम में कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देती हैं। और मेरे पति भी अपनी माँ का ही साथ देते हैं। रश्मि की ये सब बातें सुनकर गीता को एहसास होता है कि वो तो अपने ससुराल वाले के साथ कितना गंदा व्यवहार करती है, अपने पति के साथ, अपनी सासू माँ के साथ कितना गंदा व्यवहार करती है। वो घर का कोई काम भी नहीं करती थी, फिर भी उसकी सासू माँ और उसके पति कभी उसको कुछ भी नहीं कहा करते थे, बल्कि मैं ही उन्हें बात बात पर कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। इतना सब होने के बावजूद भी उन लोगों ने कभी भी मुझ पर नहीं डांटा। वो अपने ससुराल जाती है और ससुराल जाकर सबसे माफ़ी मांगती है। वो उससे कहती है कि उसने आप लोगों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है। उससे उसकी गलती का एहसास हो गया है। तब उसकी सासू माँ कहती है, तुमने चाहे कितनी भी गलतियाँ की हो, बस तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बड़ी बात है। अब हम सभी साथ मिलकर हंसी खुशी रहेंगे, सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे। हमें पता था कि तुम एक अच्छी लड़की हो और तुम्हें अपनी गलती का एहसास एक न एक दिन जरूर होगा। इसके बाद गीता और उसका परिवार साथ में हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब गीता को किसी से भी कोई शिकायत नहीं थी। वो घर का काम खुद ही कर लिया करती थी। गीता की सासू माँ गीता को इस तरह देखकर बहुत खुश थी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।